हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा एडसेंस आ चुका है। 40 दिनों बाद आया है हमारा एडसेंस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसके में ईमेल लगा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एडसेंस आ चुका है। इसको 40 दिन लग गया आने में। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में 3 अगस्त को कर दिया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 अगस्त को मतलब डाल दिया था, 3 अगस्त से वहाँ से निकल चुका था। मतलब 40 दिन हो गए इसको आने में। इसको एक महीना हो गया था, तो रिसेंट मैंने दोबारा से क्लिक करा, फिर 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे घर पर आ चुका था। ये स्पीड पोस्ट से आया था जी, देख सकते हैं। इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कैसा है। तो गूगल एडसेंस में कैसे आपको पिन को डालना है, सब चीज़ मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बताने वाला हूँ। जो गलती आप करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। गूगल एडसेंस पिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे एडसेंस आ चुका है। यहाँ पे गूगल एडसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा एड्रेस डला हुआ है और नाम मेरा डला हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मोबाइल नंबर। जब भी आप अपने एडसेंस पिन के लिए एड्रेस वगैरह डाले नहीं, तो यहाँ पर आपको एड्रेस के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालना है। मैंने भी डाला मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने ब्लर कर दिया है क्यों, नंबर वगैरह दिखाई नहीं दे और एड्रेस वगैरह मेरे दिखाई नहीं दी। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ना, सबसे दी गई एकदम डिटेल में। तो यहाँ से मैं फाड़ लेता हूँ इसे। यहाँ से मैंने इसको फाड़ लिया और यहाँ से इसको कर लेता हूँ। इसको भी कर लेते हम। तो ये अंदर से कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कुछ ऐसा होता है। इसको छुटा लेते हैं, ये छूट नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है, काफी ज्यादा लिख रहा है, पिन 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 यहाँ पे लिख रहा है। और जो कुछ हमारा अंदर से ऐसा देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो हमारे गूगल एडसेंस के जो हमारे पिन है ना, इसको हम अपने एडसेंस में डालने वाले हैं। एडसेंस में कैसे डालते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जी एडसेंस जो पिन आया है आपका, कैसे आपको अपने एडसेंस में डालना है। तो अभी मैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरे मोबाइल में मोबाइल के स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पहले वाली वेबसाइट दिख रही होगी, adsense.google.com। यहाँ इस पर हम कर लेते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम साइन इन पे कर लेते हैं क्लिक। जिस जीमेल आईडी से आपका एडसेंस है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये ऑटोमेटिक आपको क्रोम साइट पे ओपन हो जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक क्रोम साइट पे नहीं हो तो कोई एरर देता है। यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पे करना है क्लिक, 3 डॉट पे करना है क्लिक, ऊपर खिसका कर यहाँ डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है आपको। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना है, फिर आपको 3 लाइन्स दिख रही ना ऊपर गूगल एडसेंस के बगल में, इस पर करना है क्लिक। यहाँ पे आपको पेमेंट्स पे करना है क्लिक। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन चेक पे करना है क्लिक। वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करने के बाद फिर नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एक्शन वाला बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप जिससे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द पिन, फिर हम करते हैं क्लिक। अब जो हमारा एडसेंस पिन है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें से देख कर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो ये पिन हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट पे कर देंगे क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबमिट पे कर दिया क्लिक। यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका था है ना, एड्रेस वगैरह हमने दे दिया था, और एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पिन डालने का काम तो हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब भी आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें उसमें एड्रेस वगैरह डालते हैं ना, उसमें एड्रेस वगैरह डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। जैसे कि कभी कभी होता है मोबाइल नंबर दिया नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है एड्रेस में अगर मोबाइल नंबर आपका दिया होगा तो जो पोस्टमैन है वो आपको कॉल कर सकता है। ये फायदा होता है इसका है ना। अगर आपको वीडियो चले वीडियो कर दे लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल कर ले प्रेस। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैंने और यूट्यूब पर वीडियो नहीं, वो आप एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इनको चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।